देखिए दोस्तों, आपको हम शीशे का जो बिजनेस करते हैं, फ्रेम का जो बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस में किस तरह का सस्ता और भारी होता है, अब देखिए ये 1 mm का शीशा है। अब फ्रेम में लगने के बाद आप इसको पहचान नहीं सकते, वो आगे हम बताएंगे आपको। अब देखिए ये शीशा दिख रहा है, ये 3 mm का है, ये 3 mm का शीशा है और ये 1 mm का है, और शीशे लगने के बाद इस तरह दिखता है। अब दोनों ही शीशे एक जैसे दिखते हैं कि एक जैसे बराबर दिखते हैं, और बस आपको उसका गेज देखना है, और गेज देख के आप पता लगा सकते हैं ये शीशा हल्का है, हल्की क्वालिटी का है, इसका ही फर्क ज़्यादा होता है शीशों के अंदर। आप फ्रेम का बिजनेस चाहते हैं तो फ्रेम का बिजनेस भी कर सकते हैं, इस तरह की आप फ्रेम बना के देखिए कैसे शीशे की कटिंग की जाती है। अब आपके सामने देखिए कैसा एक स्केल लगा लिया है और निशान लगा दिया है इस पर। अब आप देखेंगे ये कटर है, ये कलम, और इस कलम के जरिए से इसको मार्का लगा के और शीशे के 2 भाग कर दिए जाएंगे। देखिए किस तरह, ये ट्रिक है छोटी सी, बस आपको समझना है, सब मैन्युअली काम है, कोई मशीन का काम नहीं हो रहा है इसके अंदर। देखिए उसने एक बार इसको करा है हल्का सा, और अब इसको वो एक हल्का सा इसको एक बार और कर दिया है, मतलब 2 बार करा है, और 2 बार में देखिए वो हल्का सा इसको डालने के बाद थोड़ा सा स्टाइल है, हल्का सा नीचे से उन्होंने टच करा, और टच करने के बाद शीशे के अब आप देखिए 2 टुकड़े आराम से हो गए हैं। देखिए अब बस बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है ये, और ये जो कटर आप देख रहे हैं इसी कटर से वो शीशे को काटा गया है। ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 150-200 रुपये का आता है, तो आप पहले आप शीशे पे ट्राई कीजिए जो ख़राब शीशे हैं, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा। अभी बीच में देख रहे हैं ये 20 रुपये की कलम है, पहले आप इससे ट्राई कीजिए, ये आपको देख रहे हैं लोहे की है, क्योंकि इससे ना आपको लगाने में, मार्का लगाने में और निशान डालने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि उसके अंदर हीरा होता है, वो इस कलम में हीरा होता है, तो ये हीरा टूट भी जाता है और निकल भी जाता है, ज़्यादा इसको इस्तेमाल जब करना, जब आप थोड़ा बहुत सीख जाएँ तो आप ये लोहे की जो कलम है इससे आप स्टार्ट कर लीजिए, 20 रुपये की आती है, और शीशा काटना आपको सीख जाएंगे। और शीशा ज़्यादातर फ्रेम के अंदर 1 mm का या 2 mm का लगता है, बस ज़्यादातर 1 mm का, वो हल्के से ही मारने से वो टच हो जाता है और कट जाता है। अब देखिए ये जो फ्रेम बना रहे हैं, इनका फ्रेम का काम है सारा, कोई मशीन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये अपने हाथ से ही मैनुअल सारा काम कर रहे हैं। आजकल के जो फैशन है ना लोगों में कि मशीन से काम करना है, अब मशीन से काम करेंगे तो आपका हाथ का स्किल ख़त्म होता चला जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी। अब देखिए ये फ्रेम, इन्होंने एक इसमें तस्वीर है, एक गिफ्ट के तौर पे किसी ने अभी ऑर्डर करा है इनको, तो ये पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए पूरा इन्होंने ढक दिया है फ्रेम बना के, फ्रेम बने बनाए भी आते हैं मार्केट में, वो भी ले सकते हैं, और इन्होंने कम से कम 130 रुपये का तैयार कर दिया है इसको। आप अपने अकॉर्डिंग अपने शहर में क्या रेट चल रहा है, क्योंकि हर एरिया में सब काम एरिया के हिसाब से ही प्राइस तय होते हैं, तो आप देख लीजिए ये बहुत आसान तरीके से बना रहे हैं। अब इन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसको, और इसमें जो अब ये गिफ्ट में पूरा शीशा है, पूरा फ्रेम है, अब इसको ये पैक कर रहे हैं। पैक करने का इनका तरीका देख लीजिए, गिफ्ट के तौर पर ये पैक कर रहे हैं, और पैकिंग का चार्ज अलग से लेते हैं, पैकिंग का चार्ज इन्होंने 30 रुपये लिया है, 100 रुपये का इनका आप फ्रेम है, और कंप्लीट इन्होंने बना के दे दिया है, और ये बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है। बस थोड़ा सा आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो रखी हैं, आप कोई सी वीडियो देख सकते हैं, मगर थोड़ा आपको धैर्य सब्र रखना है, तभी आप कोई बिजनेस सीख पाएंगे, नहीं आप सोचेंगे कि मुझे कोई सिखा दे, तो आज के दौर में कोई आपको नहीं सिखाएगा, सिखाएगा तो आपको यूट्यूब ही सिखाएगा। यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियो हैं,
और हर आदमी अपनी नीयत के हिसाब से वीडियो बनाता है, कोई पैसे के लिए वीडियो बनाता है, कोई किसी को सिखाने के लिए वीडियो बनाता है, क्योंकि लोगों की अपना अपना समझ है कि वीडियो बना के मैं अगर मैं किसी को बताता हूँ तो मेरा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, ये उसकी सोच गलत है। तो आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं, YouTube पे डाल सकते हैं चाहे तो आप अपनी आपकी शॉप है तो, मगर आप ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं जो नया रोज़गार की तलाश में है। तो हमारा वीडियो, एक वीडियो और बनाया है, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं, फ्रेम का बिजनेस, उसमें हमने हमने आपको बताया है और ये आपको प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आप अपना फ्रेम का बिजनेस, छोटी सी शॉप है इनमें, और आपने आप देखिए कैसा अपना सेटअप है इनका, और ये शीशा देखिए जो मैं कटवाया था उस शीशे को छोटा करवाया था, अब छोटा करके इन्होंने देखिए पूरा पीछे का जो पीछे का ये सपोर्ट थी उसको तैयार कर रहे हैं और सारा ये मैनुअली कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये मशीन में आजकल के जो यंग लड़के हैं वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, मगर आप मशीन के चक्कर में रहेंगे तो अपनी स्किल ख़त्म कर लेंगे। अब देखिए सड़क पर ही पूरा इन्होंने डाला फरमा और निशान लगाए और निशान लगा के सीधा इन्होंने निशान लगा दिया। अब देखिए, और ये एक ही आदमी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको नया काम करना है तो आप अपने पास कोई कारीगर रख लें और उसके ज़रिए आप धीरे धीरे सीख भी सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद ही इसमें मास्टर बन जाएंगे। मास्टर बनने के लिए आपको कहीं से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब में हज़ारों लाखों वीडियो हैं, आप कोई सी भी देख लीजिए जो समझ में नहीं आ रहा आपको फ़ोटो फ्रेम के बारे में। अब इन्होंने पूरा काट लिया है, अब देखिए सब हाथ का काम है, अब ऊपर से इन्होंने टेप लगा देंगे और एक क्लिप टाइप का आता है, स्टेपलर होता है, उसको पिन मार देते हैं। और देखिए स्टेपलर है, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये भी सब ये 10-15 हज़ार रुपये के, ये तो नहीं है इतना महंगा, ये तो ज़्यादा 200-300 रुपये का होगा, क्योंकि ज़्यादातर इसके जो मशीन हैं वो 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 की आती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। और आप ज़्यादातर पहले आप मैनुअली आप काम करें तो आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे जैसे आपको लगेगा। अब ये मॉडलिंग होती है, इस मॉडलिंग का ही खेल होता है पूरे फ्रेम के अंदर, इसके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं और इसी हिसाब से कस्टमर से इससे पैसे लिए जाते हैं। और आप देख रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग डिजाइन है, देखो, और इसके अंदर इसका ही खेल है बस। और आप, या आपके अंदर दिमाग है तो आप नेट पर सर्च करके डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आजकल LED बल्ब लग के भी इसमें खूब अच्छी शाइनिंग आ रही है, तो आप वो भी आप बना सकते हैं अपने दुकान के शॉप में, जो भी फ़ोटो फ्रेम का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी है, आपको प्रॉफिट है। और ये ज़्यादा वैसा बिजनेस नहीं है कि लॉस में चला जाएगा, ये तो 12 महीने चलता है, और आज की डेट में क्योंकि फ्रेम कैसा हो गया कि ज़्यादातर जो अपनी शादी की और वैसी यादगार फ़ोटो होती है अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, और ये ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं। देखिए अभी तैयार कर दिया पूरा इन्होंने, और देखिए सारा काम इन्होंने मैनुअली करा, कोई मशीन का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखिए अब बहुत आसान तरीके से है, देखिए अब इसमें क्लिप लगा दी आसान तरीके से और तैयार है बस। अब मैंने इसमें अलग से दो लगवाए थे क्योंकि मैं चाहूँ तो उसको खड़ा भी लगा